चलो अच्छी बात है, आपने जोड़ दिया, फिर से हुआ है। कितने दिन चलेगा ये भविष्य की गर्भ में है, किसने कराया है ये आपको पता होना चाहिए, और क्या होगा वो तो जनता तय करेगी। जनता की चर्चाएं जो है ये साफ है कि कहीं ना कहीं साठ गांठ के साथ ये अलायंस हुआ है। मैं उनके साथ जाने पे विचार भी नहीं करूंगा, मगर और बहुत समान विचार के लोग हैं जिनके साथ हम मिलकर लड़ाई लड़ते हैं। देखिए, काला दिन 25 जून था, ये कोई नहीं भूल सकता। चौधरी देवीलाल जी, ओम प्रकाश चौटाला जी, जगदीश सिंह जी, ये सभी लोग 19-19 महीने जेल में काट के आए। और वो वाक्य आज हमने हमारे बुजुर्गों से सुनते हैं कि महेंद्रगढ़ जेल के अंदर चोई साहब के साथ दो और उस समय के फ्रीडम फाइट, ये जो गवर्नमेंट के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे थे वो लोग थे, और उन तीन लोगों को 5.5 फुट हाइट की, 6.5 फुट चौड़ी और 9 फुट लंबी चक्की के अंदर छोड़ दिया गया, जिसमें कोई टॉयलेट नहीं था, दो मटके छोड़े गए थे। वो एक काला दौर था, और उस काले दौर को शायद देश के वो नेता जो आज जिंदा है और जिनने देखा है, या वो नेता जो आज हमारे बीच में नहीं रहे, उनके परिवार कभी भुला नहीं सकते। वो काला दिन भी था, और वो एक ऐसा दौर था जिसने शायद, वो अगर नारा ना होता कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, और इंदिरा गांधी को ये सोच ना मिलती कि हम बदलाव लाते हैं, लोग हमें चुनेंगे, शायद वो बरुआ जी थे उस समय के कांग्रेस के अध्यक्ष जिन्होंने नारा दिया, और उस समय चुनाव करा दिए गए, और चुनाव में सारे दल एकजुट हो गए, और शायद 35-36 दिन का दौर था, और 36 दिन के अंदर इंदिरा गांधी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया। तो एक काला दौर था, मैं तो कहता हूँ काला दिवस की जगह उस पूरे दौर को ही एक काले दौर के तौर पर देश याद करे। मेरे संगठन में तो आज भी 10 हैं, मगर जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं ये तो किसी से छिपा भी नहीं है, 2 के विरुद्ध हमने लिख के दे दिया है, 3 को नोटिस इशू है, 5 साथी हमारे साथ हैं। मगर जब तक विप की ताकत है, अगर फ्लोर टेस्ट होगा तो हम विप जारी कर कर सरकार के विरुद्ध में 10 के 10 मेंबरों को खड़ा करें। अगर कोई साथी रिजाइन करता है तो अलग बात है। मैंने माननीय ज्ञानचंद गुप्ता जी से 2 बार समय मांगा है, आज भी वो शायद आउट ऑफ स्टेशन है, पिछली बार भी आउट ऑफ स्टेशन थे। रणधीर सिंह जी पार्टी की तरफ से 2 बार जाकर उनको अपील भी दे आए हैं। मुझे लगता है कि उनकी व्यवस्थाएं हैं या कोई इलविल है जिसकी वजह से स्पीकर साहब हमारी रिट पे सुनवाई नहीं कर पाए, अब आज तक नोटिस नहीं दे पाए। हम इसका लीगल व्यू भी ले रहे हैं, और अगर हमें हाईकोर्ट को अप्रोच करना पड़ा कि टाइम बाउंड डिसीजन हो, तो हम हाईकोर्ट भी जाने को तैयार हैं।